مسلم سمت اسلام کو مانتا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے، لیکن آج اسلام کے نام پر نردوش لوگوں کا قتل عام ایسا سوال یہ ہے کہ نفرت کی آواز آپ کی کہاں سے ہے؟
वो कौन से लोग हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश में है, इसका जवाब भी यहाँ के लोग भी दे रहे हैं। कैसे यहाँ अमन और चैन कायम किया जा सकता है? लेकिन यहाँ का अगर 80% मसला हिंदू भी नहीं चाहता कि यहाँ लगा। राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, जिसका फैसला कब आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक पार्टियाँ इसे मुद्दा बनाकर देश में अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से कोर्ट का फैसला आने में लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन यहाँ की जनता और मुसलमान खुद ये फैसला कर चुकी है कि ऐसी जगह पर अब मस्जिद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में सख्त मना है कि विवादित जगह पर मस्जिद नहीं बनना चाहिए। इस्लाम के अंदर क्या आ गया है? अगर कोई जमीन या कोई भी मिल्कियत जिसके ऊपर विवाद चल रहा हो उसके लिए इस्लाम के अंदर क्या? देखिए, मिल्कियत पहले तो बात यह है अल्लाह रसूल का फरमान है। इससे पहले अगर इस्लाम की बुनियाद रखेंगे, जिससे पहले अल्लाह के रसूल ने मस्जिद कुबा को तामीर किया, मस्जिद नबी को तामीर किया और बहुत सी मस्जिदें तामीर किया, लेकिन ऐसी विवादित जगह पर मस्जिद तामीर ही नहीं होती है। इस्लाम कहता है कि विवादित जगह पर मस्जिद ना बने। मुसलमान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो सर्वोपरि होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों में कोई नफरत नहीं, क्योंकि मुस्लिम में कहीं कोई धर्म की विवाद नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अयोध्या के मामले को आगे करके हमें आपस में बयान कर रहे। इस रिपोर्ट के बाद अब तो आपको हकीकत समझ ही आ गई हो कि मामले को राय का पहाड़ बनाने में कौन